गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल डिस्कस फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग। 4/3 प्लस 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 माइनस 2/7। ऐसे करके आप सिक्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है, बाकी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे, 4/3 प्लस 7/8। तो ये दोनों ही फ्रैक्शंस जो है ना, फ्रैक्शन जो है उन ये लाइक नहीं है, लाइक फ्रैक्शन नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इनको ऐड करना है हमें, तो इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। 3 और 8 का एलसीएम निकाला हमने। 3 तो वैसे ही 2 के टेबल में ना, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 और लास्ट में 3 1 3। इस टाइप से क्या होगा, 2 2 4, 2 8, 3 24। 24 आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम को यहां लिखेंगे, और फिर जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है उसको एज इट इज कॉपी करते हैं। देन क्या करते हैं, डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 है, और जो एलसीएम आया है 3 की टेबल, मतलब 3 से 24 को डिवाइड करेंगे। 3 8 24, तो इसको, इस वाले न्यूमरेटर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। फिर प्लस कॉपी करेंगे, 7 कॉपी करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। फिर इसका डिनोमिनेटर 8 है, 8 की टेबल में 24 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 8 3 24, 3 से मल्टीप्लाई। समझ आया होगा आई थिंक। 8 4 32, 7 3 21, प्लस कर लिया आपस में, ये आपका 53/24। डिनोमिनेटर आपका चेंज नहीं होगा, क्लियर। आई थॉट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए मैंने थर्ड क्वेश्चन किया हुआ है, 9/11 माइनस 4/15। यहाँ पे वहां प्लस था, यहाँ पे माइनस है। सेम वही प्रोसेस, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। तो ये आपका एलसीएम मैंने किया है, 11 हो नहीं रहा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 11 1 जा 11, तो 3 5 जा 15, 11 जा 165 होता है। इन दोनों का जो एलसीएम है 165, 9 लिखेंगे क्रॉस का साइन, 11 से 165 को, अगर 11 आप डिवाइड करना चाहें तो 11 को यहां से हटा दीजिए। देखिए तो क्या बचा, 3 और 5, 3 5 जो 15, तो 15 आ गया। माइनस कॉपी किया, 4 इंटू 15 आप हटा दीजिए तो 11 आएगा, ठीक है ना। तो 9 15 9 जा 135, 11 4 जा 44, आपस में सेपरेट करेंगे, 91 91/65। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। यहाँ पे देखिए, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका गिवन है, 8 होल 1/2 माइनस 3 होल 5/8। तो इसको हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2 8 16 1 17/2, 8 3 24, 24 5 29/8। 2 और 8 का एलसीएम लेंगे। मैं बार बार लिखता हूँ तो आप भी लिखेंगे, लिखने की आदत हो जाएगी ना। 2 और 8 का एलसीएम निकालेंगे इस तरीके से, तो आपका 8 एलसीएम आएगा। फिर सेम वही प्रोसेस है, 17 को कॉपी करेंगे, क्रॉस का मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, 2 4 जा 8, कितना है आपका 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, माइनस साइन कॉपी करेंगे, 29 इंटू, और 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई, तो 17 4 जा 68, 29 1 जा 29, सबट्रैक्ट करेंगे, 39/8, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व किया, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, ठीक है ना। अब एलसीएम ऑफ 2, 5 एंड 10, यहां हमने निकाल लिया, 10 आ गया एलसीएम। 10 एलसीएम है, तो 7 इंटू 10 1 जा 10, 1 ही आएगा। 2 कॉपी करेंगे, 2 इंटू 5 2 जा 10, 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 3 2 की टेबल में 10 5 टाइम आएगा, 2 5 जा 10, तो 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, सारे प्लस में सबको ऐड कर लिया हमने, 26/10। एक बार ये रिड्यूस हो सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा आंसर रखते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा, 2 5 जा, तो 13/5 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये थोड़ा सा इसमें और बढ़ गया है, 2 होल 3/14 माइनस 3 होल 5/6 माइनस 2/5 प्लस 2 होल 1/2। सबको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 14 2 जा 28, 3 31, 6 5 जा 6, 3 जा 18, 5 23, 2/5, 2 2 जा 4, 1 5/2। एलसीएम निकालेंगे, 210 आएगा। यहाँ देख लीजिए, 2 5, एक बार आप फिर से देख लीजिए, 2 होल 3/14 माइनस 3 होल 5/6 माइनस 2/5 प्लस 2 होल 1/2, 14 2 जा 28, 31 हो गया, 5 6 3 जा 18, 23/6 होगा ये, ऐसे इज इट इज कॉपी करेंगे, 2 2 जा 4, 1 5/2।
अब हम क्या करेंगे, सिक्स इन सब का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देख लीजिए, 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14। अब टू का टेबल मल्टीपल नहीं है तो 3 से करेंगे, फिर 5 से 7 से, ऐसे करके हमने यहाँ पे इसका जो एलसीएम आया है वो 210 आया। ठीक, 210 यहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे। 31 कॉपी करेंगे, 14 से 210 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, 7 2 14 होता है, ये 7 और ये 2 ले लीजिए, बाकी कितना बचा, 3 5 15, 3 15 से मल्टीप्लाई। माइनस कॉपी करेंगे, 23 कॉपी करेंगे, मल्टीप्लाई 210। अब यहाँ पे 6 था तो 6 छोड़ दिए, इनको 6 ऐसे छोड़ेंगे तो कितना 35 आएगा, 35 लिख दिया। माइनस 2 इंटू, अब यहाँ सिर्फ 5 है तो 5 छोड़ दीजिए, तो 2 3 6, 6 7 42, ये 42 है। ठीक है, प्लस 2 प्लस 5 इंटू, अब यहाँ पे 2 है, सिर्फ 2 छोड़ेंगे तो ये आपका 35 7 35 3 105 होता है। ठीक है, 31 15 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यहाँ पे 23 इसको मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सब लिखेंगे। फिर हमने क्या किया है, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, इन दोनों को प्लस किया है, और माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का रहता है। ठीक है, फिर आपस में इन दोनों को सेपरेट किया है, तो ये हमारा आंसर आ गया 101/210। क्लियर, सिमिलर क्वेश्चन आपका यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में से है। 6 होल 1/8, 2 होल 1/12, -5 होल 1/10, +3 होल 7/25, 8 6 48, +1 49/ ये 49/8। क्लियर, 12 2 24 125/12, -5 5 10 50, 51/75, 82/25। सेम प्रोसेस वही है, डिनोमिनेटर्स का सबका एलसीएम निकालेंगे, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 25, एज इट इज कॉपी करेंगे, 2 2 4 5, 2 3, अब फिर अगेन 2 से, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, ये इस तरीके से आपका आ गया 600। सॉरी मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, 600 है आपका ये एलसीएम आ गया। ठीक है ना, 49 कॉपी करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 2 8 यहाँ तक आया, 25 5 5 25, 25 3 75, 75 लिख लिया मैं। -25 इंटू 12 से डिवाइड करना है तो 2 2 4 3 12 ये हो गया, तो बाकी कितना बचा है, 25 2 50 50, -51 इंटू 60। इस तरीके से आप जैसा पहला प्रोसेस था सेम वही प्रोसेस का अपनाना है, 10 से करना था तो ये 5 और 10 छोड़ दीजिए, मिड वाले सारे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 4 3 12, 12 5 60 60 आ गया, 82 इंटू 25 छोड़ दीजिए, 25 ये हमारा है। ठीक है ना, 2 2 4 2 8, 24 आ गया। सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, एज इट इज साइन जैसे कॉपी करना था वैसे ही करना है, फर्स्ट एंड लास्ट पॉजिटिव था, इन दोनों को प्लस कर लिया हमने, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का रहता है, आपस में सेपरेट करेंगे तो ये 1 3 3 3/600 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देख लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, साहिल वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, द पिक्चर इज 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड टू फिट इन द फ्रेम, द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3/10 सेंटीमीटर वाइड, हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, मतलब कितनी पिक्चर को छाट दिया जाए कि वो फ्रेम में फिट हो जाए। देख लीजिए, विथ ऑफ द पिक्चर ये है आपकी, इसको मैंने मिक्सड में दिया था, प्रॉपर में कर लिया, 38/5, विथ ऑफ द पिक्चर फ्रेम, पिक्चर फ्रेम ये है आपका, तो पिक्चर फ्रेम आपका छोटा है। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे हमने पिक्चर फ्रेम में से पिक्चर को पिक्चर फ्रेम से सबट्रैक्ट कर दिया, तो हमको पता चल जाएगा कितने सेंटीमीटर में उसको ट्रिम करना है। ठीक है ना, ट्रिम करना मतलब काट के छांटना है, उसको छोटा करना है। ठीक है, 5 और 10 का एलसीएम लिया, 10 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 2 38 इंटू 2, -73, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1 ही आएगा, 73 बन जाए, 70, 28 3 30, सॉरी सॉरी सॉरी, 38 2 76, -73, 6/10, मतलब 0.06 सेंटीमीटर पिक्चर को हमें ट्रिम करना पड़ेगा, तो वो पूरा एग्जैक्टली क्या होगी, फ्रेम में फिट हो जाएगी। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ उसी से मिलता जुलता है, लिखा हुआ है, रमेश शुड सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज वाइल रेशमा सॉल्व 4/5 पार्ट ऑफ इट, हु सॉल्व लेसर पार्ट बाय हाउ मच, मतलब एक एक्सरसाइज है, रमेश ने उसका 2/7 पार्ट
सॉल्व किया है, रेशमा ने इतना पार्ट सॉल्व किया। तो पहले हमें डिसाइड करना है कि किसने ज्यादा कम सॉल्व किया है और कितना कम सॉल्व किया है। तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो लाइक फ्रैक्शन है नहीं, तो पहले हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम ले लिया, 2/7 था ऐसा हम पहले करा चुके हैं, 2/7, 7/5 = 35, 7 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाइड, 5 2 = 10, 10/35 आ गया। सेकेंड लेंगे 4/5 था, 5 7 = 37 से मल्टीप्लाई होगा, तो 28/35। आपको यहां से पता चल गया कि ये डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो गए, तो आप आसानी से बता सकते हैं किसने कम सॉल्व किया किसने ज्यादा। तो जाहिर सी बात है ये 2/7 कौन था, 2/7 रमेश थे, तो रमेश ने कम सॉल्व किया है। ठीक है, तो रमेश लेस देन रेशमा, मतलब रमेश ने कम एक्सरसाइज को सॉल्व किया, और कितना कम, हाउ मच, यहाँ पे लिख लीजिए हाउ मच। तो 4/7 और 2/7 हमने इनको कन्वर्ट भी किया है, तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए 28/35 - 10/35, तो ये आपका 18/35, इतना सॉल्व उसने कम सॉल्व किया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिट्टू एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ वॉज ईटन बाई हिज सिस्टर रीना, हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड रीना ईट हु हैड द लार्जेस्ट शेयर बाई हाउ मच। ठीक है, तो डिटेल पहले मैं कॉपी करता हूं उसका। ठीक है, बिट्टू एट 3/5 पार्ट, 3/5 पार्ट उसने एट किया, रिमेनिंग पार्ट रीना ने एट किया था, तो रिमेनिंग पार्ट भाई एप्पल हमारे पास कितना था, एक ही तो है पहले, है ना, एन एप्पल लिखा हुआ था ऊपर देख लीजिए, एन एप्पल। ठीक है ना, एक एप्पल था, तो 1 - 3/5, तो ये आप सबट्रैक्ट कर लीजिए, 5 - 5 - 3 - 2/5, 2/5 पार्ट ये किसका शेयर था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिमेनिंग पार्ट ईट हु, रीना, तो रीना का आपका हिस्सा हो गया 2/5। अब यहां पे आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो आप ये दोनों ही क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, बिट्टू ने जितना खाया और रीना ने उसकी सिस्टर ने, तो फिर आप यहाँ इजिली बता सकते हैं किसने कितना शेयर ज्यादा है। तो लार्जर शेयर किसका है भाई, 3/5, बिट्टू ने ज्यादा खाया है एप्पल को, है ना, तो ये आपका एक आंसर मिल गया। दूसरा इन्होंने पूछा है कि कितना, हाउ मच, तो 3/5 - 2/5, तो यहाँ हमने लिख भी दिया है आंसर में, लार्जर शेयर इज इक्वल्स टू 3/5 पार्ट, दैट इज बिट्टू। ठीक, फिर हाउ मच था, 3/5 - 2/5, ये आपका 1/5 पार्ट आ जाएगा। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें भी क्वेश्चन कुछ सिमिलर है आपका। जयश्री देख लीजिए, हाँ, जयश्री स्टडीज फॉर 5 whole 2/3 hours डेली, मतलब टोटल वो दिन भर में इतने घंटे, 5 घंटे कुछ मिनट पढ़ती है। सी डिवोट्स 2 whole 4/5 hours ऑफ हर टाइम फॉर साइंस एंड मैथ्स, और इतना टाइम वो साइंस और मैथ्स को देती है। ठीक है, हाउ मच टाइम डज सी डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट, मतलब साइंस के टाइम को अगर हम टोटल साइंस में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें अदर सब्जेक्ट का टाइम पता चल जाएगा, वो कितना टाइम अदर सब्जेक्ट्स को देती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं, जयश्रीज टोटल स्टडी टाइम 5 whole 2/3, मतलब 5 3 = 15 - 17/3, जयश्रीज टाइम फॉर द साइंस एंड मैथ्स 2 whole 4/5, 5 2 = 10 14/5 hours। ठीक है, तो अदर सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, टोटल में से साइंस और मैथ्स का सेपरेट कर लीजिए, सेम वही प्रोसेस है, 3 5 का एलसीएम लेंगे 15 आएगा, है ना, 17 * 3 5 = 15, और 14 - 14 * 3, ये आपका आ गया 85, ये 42, 43/15, और इसको आप मिक्स्ड में भी ले सकते हैं, 2 whole 13/15 hours वो आप अदर सब्जेक्ट के लिए देती है। ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ आया होगा, दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।